सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। दोस्तों अगर भारतीय स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसमें क्या है दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर अप्रैल से नवंबर तक की बात करूं मैं तो 1771 करोड़ रुपए जो है जुर्माने के तौर पे SBI ने कमाया है। वो कैसा जुर्माना है मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो है मिनिमम बैलेंस अगर अकाउंट में नहीं है तो वो चार्ज लगाया गया है, उसके ज़रिए भारतीय स्टेट बैंक ने ये रुपये कमाए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक का जो नियम है, अगर आपका जो है मिनिमम बैलेंस रखने का नियम जो है मेट्रो एरिया में अगर हैं तो आपको कम से कम अपने अकाउंट में 5000 रुपये रखना पड़ता है। अगर आप अर्बन एरिया में हैं, शहरी एरिया में, तो आपको कम से कम 3000 रुपये रखना पड़ता है। अर्ध शहरी में हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपये रखना पड़ता है। और अगर आप ग्रामीण गाँव के इलाके में हैं तो आपको जो है 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आप इतना नहीं रखते हैं तो आपसे जो है चार्ज वसूला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चार ऐसे अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई झंझट नहीं रहेगी। पहला जो अकाउंट है बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, अगर आप ये खाता खुलवाते हैं तो आपको इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें जीरो भी बैलेंस रखते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा और सारी सुविधाएँ फ्री में मिलेंगी, इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं भरना पड़ता है। और दोस्तों दूसरा जो अकाउंट है वो जनधन अकाउंट है, अगर आप जनधन में खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1,00,000 रुपये का इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ में मिनिमम बैलेंस से भी मुक्ति आपको मिलती है, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस का कोई झंझट नहीं है। और दोस्तों तीसरा अकाउंट जो है मैं आपको बता दूँ, स्मॉल सेविंग अकाउंट, अगर आप स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों चौथा अकाउंट जो है मैं आपको बता दूं, चौथा अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो भी इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई टेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों ये चार ऐसे अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई झंझट नहीं है, आप इस अकाउंट को जीरो भी रख सकते हैं, आपसे कोई भी चार्ज वसूला नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।